हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज आपकी स्पेशल वीडियो में लेके आऊँ क्रेटा का बेस वेरिएंट। सबसे पहले दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग था भाई हमारे पास, ब्लो पंखा। हर कोई मांग रहा है 990। देखो एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग क्लियरली समझो। देखो ब्लो पंखा 990 हो गया, आफ्टर मार्केट इम्पोर्टेड ताइवान। आप लोगों को दोनों की क्लैरिटी चेकआउट करा दूंगा। ये भी 232 है, ये भी 232 है, ये भी आप लोगों का अपना कैमरा सपोर्ट करेगा, ये भी आप लोगों का कैमरा सपोर्ट करेगा। दोनों की जो फिनिशिंग एंड क्वालिटी आती है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाती है और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अब ये वाला भी अनबॉक्स कर देते हैं यहाँ पे। ये वाले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 360 सपोर्ट है, ये भी 360 सपोर्ट है। इसके अंदर भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर, दो अपना 232 रैम है, इसके अंदर भी 232 रैम है। खाली फर्क कहाँ आ जाएगा, ब्रांड के अंदर फर्क आ जाएगा, वारंटी में फर्क आ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो तो आप लोगों को पता ही है कि प्राइसिंग का डिफरेंस है, पैकेजिंग का भी डिफरेंस है अपना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेन आप लोगों ने जो चीज़ चलानी है, आपने पैकेजिंग नहीं चलानी, आपने ब्रांड नहीं चलाना, आपने चलानी है क्वालिटी। क्वालिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखें मशीनरी, इसकी मशीनरी आ गई है। फर्स्ट टाइम आप लोगों को पूरी क्लैरिटी के साथ दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेड ताइवान के अंदर और इम्पोर्टेड अपने ब्लोपंग के अंदर। ये देखें मशीनरी में क्या डिफरेंस आ जाता है। एक आपको इसके अंदर एंटीना, अपना जो वाईफाई केबल है वो लगी हुई मिलेगी। इसका जो वाईफाई केबल आएगा वो आप लोगों को इसके पिन के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा पूरी मशीनरी सेम है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। खाली कपलर इसका यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगेगा मेन कपलर। सारी मशीनरी सेम है, जीपीएस का पिन सेम है, रेडियो का सिग्नल का अपना इसके अंदर सेम है। उसके अलावा खाली जो वाईफाई वाले सिग्नल का है वो इसके अंदर कनेक्टेड आएगा, इसके अंदर इसमें आएगा। पूरी प्लास्टिक की क्वालिटी पहले चेकआउट करें आप लोग, क्योंकि ऑडियंस के लिए भाई क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी मिल रही है, क्या चीज़ें मिल रही है, पूरा क्लैरिटी आप लोगों को रहनी चाहिए क्वालिटी वाइज। अब आ जाते हैं वारंटी पे। इसमें भी 2 साल वारंटी है, इसमें भी आप लोगों को 2 साल वारंटी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसको तो इसमें आप लोगों को ब्लोपंग की बैजिंग मिल जाएगी इनबिल्ट, इसमें आपको नहीं मिलेगी। डिफरेंस सीधा सीधा 10,000 रुपये का आपके सामने है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है, एज इट इज सेम चीज़ है, खाली ब्रांड का, बॉक्स का, पैकेजिंग का फर्क आप लोगों को मिलने वाला है। दोनों ही आप लोगों का 360 सपोर्ट करेगा, बैक कैमरा सपोर्ट करेगा, और दोनों की क्वालिटी टॉप नॉच है। चाहे आप लोग फिनिशिंग देख लें, पेंट के अंदर यहाँ देखें और इसमें देखें, दोनों ही एक्यूरेट सेम है। मैं किसी ब्रांड को डिफेम भी नहीं कर रहा, किसी ब्रांड की तारीफ भी नहीं कर रहा, खाली आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्ट करें अपना सीट कवर में, इंटीरियर में, डैम्पिंग में, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट मिले। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर अवेलेबल दोनों है, जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्वालिटी सेम आने वाली है, दोनों की फिनिशिंग ही सेम है, वर्किंग भी सेम आएगी, यूआई भी आप लोग चेंज कर सकते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। खाली आप लोगों को उसके सेटिंग के अंदर जाके यूआई चेंज करना पड़ेगा। फिनिशिंग दोनों की सेम है। मेजरली जो फर्क आ रहा है भाई वो पैकेजिंग का आ रहा है। दोनों ही सिस्टम इंपोर्टेड आते हैं, दोनों ही अपने अपने ब्रांड के अंदर आते हैं, ये अलग ब्रांड का है, ये अलग ब्रांड का है, लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों सेम रहेंगे। जो दूसरा वाला स्टीरियो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, वो आप लोगों को पूरा क्लैरिटी से दिखा देंगे किस तरीके की वर्किंग है, फंक्शनलिटी है। अगेन यूआई की बात करते हैं, यूआई दोनों में ही कस्टमाइजेबल आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लो पंक में लोग खोलने के बाद आएगा और नॉर्मल वाले के अंदर आप लोगों को ओपन मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि अगर आपको कोई थीम चाहिए, कुछ डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो आप इजिली कर सकते हो। इसके अंदर लॉक खोलने के बाद आप इसमें भी कर सकते हो, डिपेंडिंग। दोनों में ही क्वालिटी सेम है, वो आप देख चुके हो। मेन जो होता है मशीनरी होती है, मशीनरी की ही वैल्यू होती है, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। 19-21 का अंतर जो है वो चीज अगेन रहने वाला है। स्पीकर्स में हम लोगों ने इंस्टॉल करे हैं मोरल के मैक्सिमो के MK2 कॉम्पोनेंट्स, पीछे इंस्टॉल करे हैं मोरल मैक्सिमो के कोएक्सल्स। साउंड की बात करें तो इसके अंदर एक एम्पलीफायर हमने इंटरफायर का इंस्टॉल करा है, JBL का 1300 वोल्ट का बूफर इंस्टॉल करा है, कॉम्पोनेंट कोएक्सल देख चुके हो, हेड यूनिट में आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब करते हैं ओरिजिनल पार्ट की बात, जो कि मेन रहने वाली है आज की वीडियो के लिए। सबसे पहले फ्रंट की डीआरएल आ जाती है, कनेक्टिंग ह्यूंडई जेन्युइन, जो कि आप लोग इस तरीके से यहां देख सकते हैं, उस तरीके से वहां देख सकते हैं क्वांटिटी हमारे पास किस तरीके की रहने वाली है। उसके बाद पियानो ब्लैक ग्रिल, अगर आप टॉप वेरिएंट की ग्रिल इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें डार्क क्रोम आता है मेजरली, ब्लैक ग्लॉस ब्लैक होने के साथ, ब्लैक कलर पे बॉडी मैचिंग होने के बाद काफी अच्छा लगता है। उसके बाद 240 वोल्ट की LEDs आ जाएंगी हमारी, 2 ईयर वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑन काउंटर। हाई बीम में भी हमने सेम इंस्टॉल करी है, 2 ईयर वारंटी रिप्लेसमेंट आप लोगों को मिलने वाली है इसके अंदर। साइड प्रोफाइल में आते हैं, अलॉय व्हील्स थे बट विद द टाइम अलॉय व्हील्स अभी नहीं लग रहे, साइड वेंट हमारे जो है वो हम चेंज करते हैं इंडिकेटर्स, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं। पेडल लैंप का फीचर चेकआउट करा देता हूँ, जब खोला है तो जल गया है, जब बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, इंडिकेटर आ जाता है। जब पियानो फिनिश हम लोगों ने ग्रिल को किया, इंटीरियर को किया, तो साइड मिरर को भी जो है हम लोगों ने पियानो फिनिश में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे अपना डोर वाइजर आ जाएगा, डोर वाइजर के अंदर हम लोगों ने क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर इंस्टॉल करे हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। 4 पीसेस में ये आप लोगों को मिल जाएंगे क्रोम लाइन में, 2 पीसेस में रूफ रेल मिल जाएगी। स्टिक जो क्वालिटी है हमारी, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके लिए आप लोग आते हैं, तो इस क्वालिटी का लेवल आप करा सकते हैं। साइड बिडिंग 4 डोर्स की हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है यहाँ पे,
मेजरली जो क्रोम हैंडल है ब्लैक कार पे, लोअर गार्निश एंड क्रोम हैंडल, कस्टमर की डिमांड होती है इस चीज को लेके कि क्रोम ज्यादा नहीं चाहिए, जिनको कम चाहिए वो कम कराते हैं, जिनको ज्यादा चाहिए ज्यादा कराते हैं। बैक साइड पे आते हैं, टेल लाइट का सेट आप लोगों को मिल जाएगा 7,500 mrp इसकी, 25,000 mrp इसकी, 7,500 mrp इसकी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जैसे इंडिकेटर वर्किंग है, तो इंडिकेटर के अंदर आप लोगों को इस तरीके का फीचर इसके अंदर मिल जाता है। डिग्गी में आप लोगों को लेकर चलता हूँ, तो डिग्गी के अंदर आते हैं, तो डिग्गी के अंदर बैक साइड पे पहले सबसे पहले ओईएम कैमरा आ जाएगा। ओईएम कैमरा के बाद अंदर लेके चलता हूँ, तो अंदर आप लोगों को सबसे पहले बूफर, बूफर की पेटी का साइज आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके का आएगा। बूफर की पेटी पीछे से हमारी टिल्टेड होती है, तो पेटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जगह इसमें भी ज्यादा नहीं लगेगी आप लोगों को, अगर साइड वाला पोर्शन चाहिए तो साइड वाला भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टिल्टेड रहता है, पीछे सीट के साथ कवर अप हो जाएगा। जैसे ये हमने अंदर कर दिया तो ये कवर अप हो चुका है। उसके बाद 1300 वोल्ट का बूफर है, ये डमी MID बटन के इसके अंदर लग के आते हैं। स्टेयरिंग की जगह पे कुछ नहीं आता, वेलकम प्लेट की जगह पे कुछ नहीं आता, ये इनका सेफ्टी किट है। ये ऑटो फोल्ड की वायरिंग है, ऑटो फोल्ड की वायरिंग पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 ईयर्स की वारंटी आप लोगों को मिलने वाली है। जो आफ्टर मार्केट वायरिंग आती है, जो हैंडमेड वायरिंग जो मार्केट में चलती है, जो 7-7, 8-8 हज़ार या 11 हज़ार के भी लोग बेच रहे हैं, तो उसके अंदर 2 साल की वारंटी नहीं आती, 6 महीने की आती है, ऑन पेपर लिखवा के लें। लेकिन हमारे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 साल की वारंटी है, तो 2 साल की वारंटी विद डेट जिस दिन आपने काम कराया आपकी कार एंट्री के हिसाब से आपको मैच करके दी जाएगी। बूट लैंप ओरिजिनल जो है हमारे Hyundai के ओरिजिनल हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे। सो अंदर आ गए हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, बिल्कुल प्यार से आएगा, बिल्कुल प्यार से जाएगा। अब आप लोग बताओ ये कस्टमाइज है, फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है, क्योंकि आज की वीडियो में ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को बताना है। ये देख सकते हैं किस तरीके से प्यार से आ रहा है और प्यार से जा रहा है। तो ये अपना सनग्लास होल्डर हो गया, कस्टमर के डिमांड पे लगाया गया जो भी है, लेकिन आप लोग बताएं ओरिजिनल है की कॉपी है। आगे चलते हैं, इनर हैंडल दोनों मिल जाएंगे आप लोगों को। एन लाइन का लोगे ग्लॉस ब्लैक ग्रे आएगा, अपना SX ऑप्शन का लोगे सिल्वर आएगा। कंपोनेंट्स हम लोगों ने भी इसमें इंस्टॉल करे हैं, ट्विटर साइज इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ट्विटर ऊपर आ गया है। जैसे जो ऑटो फोल्डेबल मिरर है पूरे के पूरे वर्किंग रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना फोल्डिंग फंक्शन आ गया, ये अपना इंडिकेटर आ गया। पेडल लैंप मैं आप लोगों को चेक करा चुका हूँ, अब एक बार और आप लोगों को इसका एडजस्टमेंट चेक करा देता हूँ, राइट लेफ्ट नीचे ऊपर। मेन बात अगेन दोबारा ऑटो फोल्डिंग में बताऊंगा, वारंटी हम लोग 2 ईयर्स की दे रहे हैं आप लोगों को रिले पे, हैंडमेड रिले लोकल वायरिंग इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ ब्रांडेड, जो ब्रांडेड रिले होती है वो इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद पैनल चेंज हुआ है इसका ग्लॉस ब्लैक के अंदर, 4 डोर्स के पैनल चेंज करके ग्लॉस ब्लैक कर दिए गए हैं। इधर आते हैं, क्रूज कंट्रोल वर्किंग आप लोगों को मिल जाएगा, ये अपना क्रूज कंट्रोल वर्किंग आ जाएगा। जब 30 की स्पीड आप पार करोगे, आप क्रूज कंट्रोल ऑन करोगे, तो क्रूज कंट्रोल वर्किंग स्पीड आपकी यहाँ से चलेगी, पॉज एंड प्ले आपका यहाँ से चलेगा। ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग इस पे आ जाएगी, ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग इस पे आ जाएगी। स्टेयरिंग कवर ग्रे कलर मैचिंग और आइस ग्रे मैचिंग पूरा का पूरा यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, विद कॉपर स्टिचिंग रहने वाली है यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी, जो कि ओरिजिनल टर्बो डिजाइन के अंदर आती है, पूरी टर्बो वाली फीलिंग के अंदर ही हम लोगों ने पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन करी है। कलर भी मैच करके गया, आइस ग्रे विद आइस ग्रे, ग्रे विद ग्रे, पूरा मैचिंग है। उसके बाद सेंटर अपना AC कंसोल पियानो, गियर कंसोल पियानो में कन्वर्ट करा है, डैशबोर्ड का फ्रंट पियानो करा है, दरवाजे का पियानो करा है, विद सॉफ्ट टच करा है, विद अपना जो स्टिचिंग है हमारे कॉपर वाली वो करी है। अब स्क्रीन पे आ जाते हैं, सेम स्क्रीन एज इट इज, ये UI अभी ब्लू ब्लू करके सिलेक्ट हो रखी है, बट अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन म्यूजिक कंट्रोल के आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके अलावा आप अगर स्लाइड करते हैं तो उसके बाद वॉल्यूम और नेविगेशन बटन का ऑप्शन सब यहाँ मिल जाएगा। मेन आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेन क्या चीज रहती है, प्ले स्टोर में जैसे चले गए, प्ले स्टोर में जाने के बाद अगर आप लोगों को कुछ डाउनलोड करना है इसके अंदर, तो वो आप चेंजेस इसके अंदर इजिली कर सकते हो। UI इंस्टॉल करना है, UI इंस्टॉल कर सकते हो। DSP सपोर्ट आप लोगों को ये भी मिलेगा, DSP सपोर्ट आप लोगों को वो भी मिलेगा। साउंड सेटिंग हो चुकी है, एम्पलीफायर इसमें इंस्टॉल हो चुका है, कॉम्पोनेंट स्पीकर सब इंस्टॉल हो चुके हैं। YouTube हो गया, YouTube के साथ साथ हमारी जितनी एप्लीकेशंस होती है जो कि नेसेसिटी रहती है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, Netflix हो गया, Prime Video हो गया, YouTube हो गया, Apple CarPlay, Android Auto हो गया, वायरलेस, वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो मेजरली जो एप्लीकेशंस है वो सारी आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगी। प्लस यहाँ आप लोगों को ब्राइटनेस का और वॉल्यूम कंट्रोल अभी कमी करते हैं, ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये फुल ब्राइटनेस आप लोगों को मिल जाएगी, ये लोएस्ट ब्राइटनेस आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद मेनली जैसे नेविगेशन बटन के अंदर रीबूट का ऑप्शन होता है, रीबूट के बाद सारे ऑप्शंस आप लोगों को फ्रंट में मिल जाएंगे। फिटिंग की बात करते हैं, यहाँ 00 फिटिंग आ जाएगी, ये ग्लॉस ब्लैक फ्रेम के साथ आ जाएगा आप लोगों का पूरा स्क्रीन गार्ड इस पे लगा हुआ है, इसका थोड़ा सा उखड़ रहा है तो वो आप लोग देख सकते हैं। Hyundai का लोगो बूट स्क्रीन पे आप लोगों को मिलेगा, जैसे रीबूट करते हैं फर्स्ट टाइम आप लोग बैठ के स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो चीज मिल जाएगी। मेजरली इसमें सारा काम हुआ है। उसके अलावा नीचे देखते हैं तो फ्लोरिंग आ जाएगी, मैट आ जाएंगे, मैट के अलावा हमारे सीट कवर SX ऑप्शनल ग्रे विद बेज कलर के, अपना विद बॉक्स वाला डिजाइन जो टॉप वेरिएंट के अंदर आता है,
परफोरेटेड सेंटर वाला डिजाइन आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। सीट कवर के अंदर 20 mm की कुशनिंग एंड फोमिंग हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा पाओगे, ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ये हमारी फोमिंग है, नोट द सीट कवर, और ये चीज जो प्रेस करके मार्केट में चलता है दिस इज द सीट कवर, ठीक है। तो फोमिंग अगर आप देखेंगे तो 20 mm आप लोगों को एनी टाइम मिलेगी हमारे पास और हम इंस्टॉल करके देते हैं। हैंड रेस्ट के अंदर थोड़ा कम होता है, इसमें वैसे तो 12 और 13 के बीच में आता है लेकिन दबने के बाद वो कम हो जाता है, उतना रह नहीं जाता, लेकिन सीट कवर में मार्जिन होता है तो सीट कवर में रह जाता है। तो सीट कवर में आप देख सकते हैं क्वालिटी है, उसके बाद डिजाइन है, परफोरेटेड है जो टॉप वेरियंट के अंदर आता है, नीचे पाइपिंग नहीं आती, ऊपर आती है, ऊपर दी गई है। बाकी डिजाइन जो अपना थ्रेडिंग वर्क है पूरा का पूरा नायलॉन थ्रेड में होता है, इजी टू क्लीन होता है। कैबिन लाइट व्हाइट करी है, पार्सल ट्रे अभी इसमें डालेंगे, मैट नीचे 70 लगे हुए हैं। छोटी मोटी चीजें हजारों है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन 2 लाख रुपए अगर आप लाते हैं, 1,90,000, तो इतनी सारी चीजें करा पाएंगे हमारे पास आके। फ्रंट की थ्रो भी चेकआउट कर सकते हैं, लाइट के किस तरीके की आ जाएगी और क्वालिटी वाइज काफी औसम आने वाली है। तो ये था भाई काफी मेहनत के बाद काम करने का नतीजा, होपफुली वीडियो देख के मजा आया। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। 1,90,000 रुपए पूरी गाड़ी का बजट था यहाँ पे, और इसके अंदर आप लोग कुछ एडिशनल कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, पिलर हो गए, रूफ हो गए, एक्स्ट्रा चीजें हो गई, कुछ कम कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। अलॉय व्हील्स अभी फिलहाल लगे नहीं है, अलॉय व्हील्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। हमारे पास स्टॉक वैसे पीछे चेकआउट कर सकते हैं आप किस तरीके का रहने वाला है अलॉय व्हील्स का, तो आप लोग आए एक बार सेवा का मौका दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।